फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो जैसे ही गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन यूनिट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस यूनिट में एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में गाइस डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने पढ़ा था कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया था टू टाइप्स में, एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो पॉजिटिव डेविएशंस को शो करते हैं, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशंस के केस में सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हमें ज्यादा मिलता है एज कंपैरिजन टू द राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ से हमें टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा मिलता है। तो वेपर प्रेशर कर्व में दैट मीन्स हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। कि पॉजिटिव डेविएशंस के केस में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो कुछ हमारे पास ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जिनमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस हमें मिलती हैं। तो ऐसे केसेस में टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू भी काफी ज्यादा हमें मिलेगी, मैक्सिमम होगी। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उनके जो प्योर कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट से भी हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा मिलता है। सो फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन will be maximum and the boiling temperature of the solution will be minimum. So at this point the vapor phase and the liquid phase will show the same composition. कि इस point पे जो liquid phase है या फिर vapor phase होगा उस solution का, उन दोनों की composition हमें same मिलती है। और इस पॉइंट पे हमें जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर्स जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं और जिनकी कंपोजिशन में किसी भी तरह की चेंज नहीं आती है जब हम उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं और जिनकी कंपोजिशन में किसी भी तरह की चेंज नहीं आती है जब हम उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। क्योंकि जो एजियोट्रॉप वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है विच मीन्स बॉइलिंग विदाउट चेंज। तो एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो लिक्विड मिक्सचर्स हैं जिनको अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइज करें तो डिस्टिलेशन होने पे इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है और ये बॉइल करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि जब हम इनको बॉइल करते हैं इन मिक्सचर्स को, तो ये सेम उसी तरह से बॉइलिंग टेम्परेचर को शो करते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर मिलता है जैसा कि एक प्योर लिक्विड के केस में हमें एक लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर मिलता है। जैसे अगर हम कोई भी प्योर लिक्विड लेते हैं उसका एक डेफिनेट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, उसी तरह से जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं दिस शोज डेफिनेट बॉइलिंग टेम्परेचर। इनका भी एक डेफिनेट या एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जिस तरह से कि एक
प्योर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो इसी तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो है ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने केस कहा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशंस को शो करते हैं, जिनके केसेस में हमें टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा मिलती है। तो ऐसे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें कि जिस तरह से हमारे पास है इथेनॉल वाटर मिक्सचर, कि अगर हम लेते हैं गाइस 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, या अगर हम मोल फ्रैक्शन लें वाटर की 0.056 एंड इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन अगर हम लें 0.944, कि वाटर की मोल फ्रैक्शन 0.056 एंड इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन 0.944, या हम कह सकते हैं कि अगर हम लें 95% इथेनॉल, तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस की लिक्विड फेज और उसके वेपर फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे इस डायग्राम में बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने इथेनॉल लिखा है, यहाँ पे राइट साइड में हमने लिखा हुआ है वाटर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर की मोल फ्रैक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, और इसी तरह से इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप दो तरह की आप कर्व्स देख रहे हैं, अपर कर्व एंड लोअर कर्व। तो अपर कर्व इंडिकेट कर रही है हमें वेपर फेज एंड लोअर कर्व इंडिकेट कर रही है हमें लिक्विड फेज को। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास इथेनॉल मिक्सचर है, उन दोनों का जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का ही वेपर प्रेशर हमें सेम मिलेगा। तो ये इंडिकेट करेगा हमें इसके बॉइलिंग टेम्परेचर को। तो इस तरह से अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमने यहां पे लिखा हुआ है 351 केल्विन, तो ये 351 केल्विन हमें बता रहा है इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये जो यहां पे इस पॉइंट पे आपको यहां पे ये मिक्सचर मिल रहा है इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, तो ये है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमें मिल रहा है ये बॉइल करेगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 351 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर, इवन अगर आप प्योर कंपोनेंट लें इथेनॉल, जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर इस मिक्सचर के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा है 351.5 केल्विन, और इस तरह से बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 373 केल्विन। तो मिक्सचर जो बना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इससे प्योर कंपोनेंट से कम है। तो प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसीलिए इस मिक्सचर को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कि हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट्स है इथेनॉल एंड वाटर, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि हमारे पास जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है इथेनॉल और वाटर को मिक्स करने से, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 351.5 केल्विन है, जो कि कम है। तो इसीलिए इस एजियोट्रॉप को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम हमें बता रही है कि यहाँ पे ये वेपर फेज और लिक्विड फेज इस पॉइंट पे आपस में मीट करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन रहेगी, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज एंड कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड फेज, वो आपको सेम मिलेगी। तो कंपोजिशन इस टेम्परेचर पे सेम होगी,
तो इस पॉइंट पे ही ये मिक्सचर फॉर्म करेगा एज योर ड्रॉप को। तो इसी तरह से जो इथेनॉल का 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है तो ये एजियोट्रॉप को फॉर्म करेगा 351 केल्विन टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इथेनॉल सॉल्यूशन के केस में। तो ये जो 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी बात करें तो 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स है 351 केल्विन, इस टेम्परेचर पे ये बॉइल करेगा। और इस टेम्परेचर पे हमें इसके लिक्विड फेज और इसके जो वेपर फेज है दोनों की ही कंपोजिशन हमें सेम मिलेंगी इस पॉइंट पे। तो कंपोजिशन सेम होने की वजह से हम इसकी डिस्टिलेशन इस पॉइंट पे नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज नॉट पॉसिबल एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे ये फॉर्म करेगा एजियोट्रॉप को। और हमने कहा कि ये टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इस मिक्सचर का, ये कम है इन प्योर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग टेम्परेचर से, तो इसीलिए ये फॉर्म करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। तो दैट मींस जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशंस को शो करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशंस के केसेस में आपको मिलेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसी तरह से अगर हम सेकेंडली बात करें, इसी का रिवर्स केस है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो गाइस, नेगेटिव डेविएशंस के केसेस में सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हमें राउल्ट्स लॉ से कम मिलता है। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कम मिलेगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हाइल द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सो दैट मींस इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन रहेगी लिक्विड फेज की और वेपर फेज की वो हमें सेम मिलेगी, और इसी तरह से ये मिक्सचर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। तो इसी तरह से आपको इस टेम्परेचर पे मिलेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसी तरह से फर्दर एजियोट्रॉप को हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो लिक्विड मिक्सचर है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, और इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करना चाहें तो हम इनको डिस्टिलाइज नहीं कर सकते, इनकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगी जब हम इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये प्योर लिक्विड की तरह ही बॉइल होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम को ड्रा करें फॉर HCl सॉल्यूशन के लिए, तो अगर हम लेते हैं 20.2% HCl सॉल्यूशन, जिसमें कि HCl की अगर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं 0.111 और वाटर की मोल फ्रैक्शन रहेगी 0.889। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे हमें इंडिकेट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और ये आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में HCl की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वाटर की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे दो कर्व्स हैं, अपर कर्व इंडिकेट करेगी वेपर फेज को और लोअर कर्व इंडिकेट करेगी हमें लिक्विड फेज को। तो वैसे ही ये आ गया वो पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों की कंपोजिशंस आपको सेम मिलेंगी। तो दैट मींस अब ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, इस टेम्परेचर पे हमें मिलेगा एजियोट्रॉप। तो इस तरह से HCl सॉल्यूशन, तो उसका हमें एजियोट्रॉप मिलेगा 381.6 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस तरह से अब आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है जबकि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 373 केल्विन मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से कम, और इस तरह से HCl का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है 188 केल्विन। तो अब इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो प्योर कंपोनेंट से ज्यादा है, तो
मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर, जो एज़ियोट्रॉप मिक्सचर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर कंपोनेंट से ज्यादा है, तो इसीलिए इस एज़ियोट्रॉप को हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप। तो अब ये आ गए हमारे पास दो तरह के एज़ियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशंस को शो करते हैं, दीज आर मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, दीज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप। तो इस तरह से चाहे मिनिमम बॉइलिंग हो या मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप, दोनों ही केसेस में हमने देखा कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये मिक्सचर्स बॉइल होंगे, और इनकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इनकी कंपोजिशन में हमें चेंज नहीं मिलती है। तो एज़ियोट्रॉप्स आर द लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डू नॉट अंडरगो अ चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज एज़ियोट्रॉप इन ब्रीफ मीनिंग बॉइलिंग विदाउट अ चेंज। तो इस तरह से गाइस हमें एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स मिलते हैं इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून रहिए। सो थैंक यू।